दोस्तों रिंग जैसा ही एक एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिसमें आप लोन है जो तुरंत के तुरंत है जो ले सकते हो, इंस्टेंट है जो लोन आपको मिलने वाला है। दोस्तों आपको मैं रिंग जैसा एप्लीकेशन न्यू लेकर आया हूँ जिससे आप इंस्टेंट है जो बैंक अकाउंट में लोन है जो क्रेडिट कर पाएंगे और इंस्टेंट है जो पैसा है जो बैंक अकाउंट में है जो निकाल पाएंगे। दोस्तों रिंग जैसा ही एक एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिसमें 1 लाख से लेकर है जो 6 लाख रुपए तक का लोन है जो ले सकते हो। 10,000 से स्टार्टिंग है और 48 महीनों के लिए लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 2% है जो इंटरेस्ट है जो देना पड़ेगा। दोस्तों काफी मस्त एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसका नाम है लोन टैप। लोन टैप से लोन है जो कैसे लेते हैं, अप्लाई है जो कैसे करते हैं, सरल तरीका है जो बताने वाला हूं, तुरंत के तुरंत बैंक में है जो आप पैसा है जो डाल पाएंगे। इस वीडियो को जिसने पूरा देख लिया वो तुरंत है जो इस एप्लीकेशन से है जो लोन है जो ले लेगा। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आपका वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल 1HDTech। चैनल पर नए हो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों रिंग जैसा ही एक एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिसमें आप लोन है जो तुरंत के तुरंत है जो ले सकते हो, इंस्टेंट है जो लोन आपको मिलने वाला है। दोस्तों आपको मैं बता दूं रिंग एप्लीकेशन में ट्रांजेक्शन काफ़ी लोगों का है जो नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि कैसे है जो लोन टैप से लोन है जो तुरंत है जो आप ले सकते हो। जिसको अर्जेंट है उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि लोन टैप से आप जो लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हो, कैसे है जो बैंक में ट्रांसफ़र करना है, ये वीडियो में पूरा है जो बताने वाला हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो रिंग एप्लीकेशन है, ये लोन टैप है, यहाँ पर लोन टैप को ओपन करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो लोन टैप एप्लीकेशन हमारा ओपन हो रहा है। लोन टैप से लोन है जो कैसे लेते हैं वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन है जो हमारा अपने आप खुल चुका है। यहाँ पे देख सकते हो अभी अपने क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टेंट कस्टमाइज लोन है जो अपने तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई के लिए आपको क्लिक करना है। अप्लाई के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो बैंक, यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्ट योर प्रोडक्ट बेस्ट ऑफ यू, यहाँ पे ये है जो अपने को प्रोफेशनल सर्विस है जो दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हो अभी अपने को क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको देख सकते हो मेडिकल इशू वगैरह के लिए लेना चाहते हो या कैसे लेना चाहते हो, होम के लिए लेना चाहते हो, पर्सनल या अदर के लिए लेना चाहते हो, तो यहाँ पे अलग अलग रिक्वायरमेंट है जो दी हुई है। देख सकते हो किस टाइप का आपको लोन है जो यहाँ पर लेना है। यहाँ पर देख सकते हो किसी को दवाई की ज़रूरत है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, किसी को होम घर के लिए लेना है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, एडवांस सैलरी के लिए लेना है तो यहाँ पे है जो क्लिक करना है। अब पर्सनल या अदर इसमें सब कुछ आ जाता है, आपको पर्सनल या अदर पे क्लिक करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिक्वायरमेंट पूछेगा आपको, यहाँ पे 3 रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे ऑफर आपका शो हो जाएगा, यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट होगी और यहाँ पे नीड्स जो जो जरूरत है वो पूछेगा ये आपसे। यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्ट सैलरीड में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हो पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप क्या हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है तो आप कुछ भी यहाँ पे नीचे वाले चौथे पांचवें ऑप्शन में आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करना, मैं अपने हिसाब से कैटेगरी है जो सिलेक्ट है जो कर रहा हूँ, आपको कैसे लेना है वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन है इसमें से, और आप ऊपर वाले में से भी ऑप्शन है जो सिलेक्ट है जो कर सकते हैं, जो भी है आप वहाँ से सिलेक्शन है जो कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे अभी के क्लिक करूँगा तो वो मेरा यहाँ पे ये देखो पब्लिक एंड प्राइवेट पे क्लिक है जो करने वाला हूँ, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मेरा ये एप्लीकेशन है जो यहाँ पे खुल के है जो आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो पर्सनल के लिए मैंने क्लिक किया था, ये सिलेक्ट हो गया और मैं अभी इसको कंटिन्यू है जो क्लिक करने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना पर्सनल ईमेल आईडी है जो डालना है, तो यहाँ पे मैं अपना पर्सनल ईमेल आईडी है जो सिलेक्ट है जो कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको भी अपना है जो पर्सनल ईमेल आईडी ही इसमें डालना है, ठीक है। तो मैं अपना पर्सनल ईमेल आईडी है जो सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना पर्सनल ईमेल आईडी है जो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको भी अपना पर्सनल ईमेल आईडी है जो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैंने पर्सनल ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे वी सर्वाइव द फॉलोइंग सिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी सिटी है जो शहर है जो सिलेक्ट है जो करने वाला हूँ, तो आपको भी अपना शहर है जो सिलेक्ट है जो करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे शहर है जो देखने को मिलेंगे, यहाँ पे देख सकते हो सांगानेर, काफ़ी सारे शहर है जो यहाँ पे सिलेक्ट है जो कर सकते हो, जहाँ से हो आप वहीं सिलेक्ट है जो करना है। अभी देखो मैं यहाँ पे कौन सा करना कर लूँ, मैं राजस्थान का हूँ, मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूँगा, जयपुर सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी जो सिटी है वही सिलेक्ट करना। यहाँ पर मैं तो जयपुर ले रहा हूँ, यहाँ पर कंटिन्यू
कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट देना होता है। आप ध्यान दीजिए बैंक स्टेटमेंट कौन सा देना है। यहाँ पे देखिए 3 महीने का आपको स्टेटमेंट देना है। स्टेटमेंट कैसे लेते हैं वो आपको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा स्टेटमेंट कैसे लेना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट लेने के लिए आपको बैंक का ऑफिशियल एप्लीकेशन, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टेटमेंट चाहिए आपको, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से स्टेटमेंट ईमेल के थ्रू आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बैंक पे के स्टेटमेंट, यहाँ पे होम सैलरी, योर सैलरी बतानी है यहाँ पे 25,000। जैसे बैंक में जितना भी लास्ट 3 महीनों में ट्रांजेक्शन होता है आपकी सैलरी का, वो आपको डालना है। यहाँ पे मेरा 15,000 होता है, तो यहाँ पे मैं 15,000 डाल रहा हूँ। आपको यहाँ पे डू यू हैव एनी गोइंग लोन और किस्त, यहाँ पे पूछ रहा है तुम मतलब किस्तों में यहाँ पे बोल रहा है। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो यस यस पे क्लिक करना है। यस पे आप क्लिक करोगे तो किस्तों में कितना पे कर सकते पे करना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। पर आई डोंट नो, यहाँ पे मैं डोंट नो क्लिक करूँगा। यहाँ पे देख सकते हो नो आई डोंट नो, और वट इज़ योर करंट रेजिडेंस इस टाइप, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप किराए के घर में रहते हो या यहाँ पे खुद का है। ओवन पे क्लिक करके कंटिन्यू है जो क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी प्रोफाइल के लिए ये देखो, यहाँ पे देखो 2,00,000 रुपये का लोन है जो हमारे लिए एलिजिबल है। यहाँ पे देख सकते हो 2,00,000 रुपये का लोन है, 6 महीने की किस्त है। यहाँ पे लास्ट मंथ की सैलरी का स्लिप देना है आपको। स्लिप मतलब जो आपको आपको मैंने बताया था PDF डाउनलोड होगा आपका स्टेटमेंट का, बैंक का स्टेटमेंट देना है लास्ट मंथ का। लास्ट मंथ का स्टेटमेंट है जो पूछ रहा है, तो सैलरी स्लिप की सैलरी स्लिप देनी होगी यहाँ पे। तो 6 मंथ का यहाँ पे 6 मंथ का 6 मंथ में आप भर सकते हो लोन। यहाँ पे देख सकते हो 6 मंथ में लोन भर सकते हो। 2,50,000 रुपये का लोन है, 2,00,000 का है, 2,00,000 का है, 1,50,000 का है। यहाँ पे देख सकते हो कौन सा सिलेक्ट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं लाख वाला सिलेक्ट करता हूँ, तो इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ये क्या क्या एलिजिबिलिटी है इसकी। लेटेस्ट 3 महीनों का है जो आपको देना है सैलरी का सर्टिफिकेट। सैलरी का सर्टिफिकेट दे दो या सैलरी का 3 मंथ का है जो स्टेटमेंट दे दो। बैंक का 3 मंथ का स्टेटमेंट देना है आपको और 6 महीनों में ये भरना है। बैंक स्टेटमेंट 6 महीनों का देना है। यहाँ पे देख सकते हो बैंक स्टेटमेंट 6 महीनों का देना है और सैलरी की स्लिप देनी है जो सैलरी आपकी क्रेडिट होती है उसकी है जो रसीद देनी है आपको इसके अंदर सैलरी स्लिप के अंदर। और यहाँ पे देख सकते हो 1,50,000 रुपये का लोन ऑफर कर रहा है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये खुल जाएगा और यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डालना है अपना। तो यहाँ पे मैं अपना पैन कार्ड नंबर है जो डाल लेता हूँ, आपको भी अपना है जो पैन कार्ड नंबर है जो रजिस्टर्ड है जो कर लेना है। तो ठीक है, मैं अपना पैन कार्ड नंबर है जो डाल लेता हूँ। यहाँ पे आपको भी अपना है जो पैन कार्ड नंबर है जो डाल लेना है, ठीक है। तो मैं अपना पैन कार्ड नंबर है जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप भी अपना पैन कार्ड नंबर है जो डाल लें। डालने के बाद है जो सब कुछ है जो आपको सिलेक्ट है जो करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना डाल लेता हूँ यहाँ पे। तो आपको भी अपना है जो यहाँ पे सैलरी जन्म डेट ऑफ बर्थ है जो डाल लेनी है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो ही डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ है जो डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप कस्टम भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको भी अपनी डेट ऑफ बर्थ है जो डाल लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरीफाई पेन पे क्लिक करना है। वेरीफाई पेन डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो हमारा पैन कार्ड है जो आ चुका है। और आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद है जो RBI NBFC लोन यहाँ पे है जो प्रोवाइड करती है। यहाँ पे एजेंसी तो काफ़ी सारी हैं। यहाँ पे देख सकते हो CICS है कंपनीज़। यहाँ पे पैन कार्ड है जो हमारा आ चुका है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा मोबाइल नंबर है जो पूछेगा, जिस पे है जो OTP है जो आने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मोबाइल नंबर पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक किया और ये ऑफ़र है जो यहाँ पे हमें दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो OTP है जो हमारा आ चुका है। तो हम OTP है जो लगा लेते हैं। OTP लगाने के बाद है जो हमारा कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार है जो इंटरफेस आएगा। अब हमें लोन के लिए ऑफ़र है जो एलिजिबिलिटी दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लोन के लिए ऑफ़र के लिए क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया मैंने।
कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये हमारा ऑफर है जो सिलेक्ट कर रहा है, ऑफर है जो बताएगा, ओटीपी लग गई है। अब देखो सक्सेसफुली है जो ये हमें बता रहा है, यहाँ पे देख सकते हो 3231 रुपये है जो किस्त रहेगी, शायद स्मॉल लोन है जो ले सकता हूँ, स्मॉल पर्सनल लोन है जो ले सकता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो लोन अमाउंट है जो 1,32,000 रुपये है जो 1,35,000 रुपये तक ले सकता हूँ मैं, अवेलेबल हूँ इस लोन के लिए। तो यहाँ पे मैं 48 महीने में भी भर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को 10,000 रुपये का लोन चाहिए तो यहाँ पे मेरी 48 महीने में 327 रुपये है जो किस्त रहेगी। 48 महीने काफ़ी हो चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो 327 रुपये किस्त भरनी होगी। और यहाँ पे देख सकते हो इंटरेस्ट ब्याज है जो पर महीने महीने का 2% है जो 0% है जो लगने वाला है, 2% है जो 0% है जो लगने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इस प्रकार है जो आपको सिर्फ KYC करनी है और 3 महीने का वो देना है डॉक्यूमेंट वगैरह, और आपको लोन है जो एलिजिबल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 327 रुपये है जो किस्त है जो मिलने वाली है, इस प्रकार है जो आपको यहाँ पे लोन है जो लेना है। दोस्तों यहाँ पे लोन लेने के लिए यहाँ पे 10-48 महीने कर दिया मैंने, देखो 1 साल का किया तो मैंने 946 रुपये किस्त रहती है मेरी। यहाँ पे अवेलेबल लोन पे क्लिक करेंगे, अवेलेबल लोन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अवेलेबल लोन पे क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे अवेलेबल लोन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आगे है जो ऑप्शन आएगा KYC करने का, यहाँ पे सारी लोकेशन अलाउ कर देनी है। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपको eKYC करनी है, वेरीफाई आधार करना है, ठीक है, और यहाँ पे अपलोड आधार कार्ड करना है, और बैंक का है जो यहाँ पे देखिए पहले फुल है जो आपको आधार कार्ड की फ्रंट फ़ोटो सेंड करनी है, यहाँ पे फ्रंट फ़ोटो खींच के है जो अपलोड करनी है, और यहाँ से बैक साइड की फ़ोटो है जो क्लिक करनी है। यहाँ पे अदर KYC में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है जो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो थोड़ा इमरजेंसी यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे ये यहाँ पे देख सकते हो नथिंग सिलेक्टेड, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप सिलेक्ट करो, बाकी सिलेक्ट है जो करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे पासपोर्ट पे क्लिक करके पासपोर्ट भी दे सकते हो, आपके पास पासपोर्ट है तो ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस का भी फ़ोटो है जो अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद है जो आपको है जो लोन है जो मिल जाएगा दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको है जो लोन है जो मिल जाएगा, आपको बस ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेने हैं। डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद है जो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने है जो ऑलरेडी है जो दूसरे नंबर पे लोन है जो ले रखा है इसी एप्लीकेशन से, तो काफ़ी है जो इजीली है। आपको 6 महीने का स्टेटमेंट देना होता है जिसमें 15,000 मैंने सिलेक्ट किया, जितनी आपकी सैलरी आती है उतनी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ट्रांजेक्शन वाला बैंक है जो आपको देना है, आपको ध्यान दें उसी बैंक में आपका नंबर है जो ऐड होना चाहिए जो लोन टैप में ID बनी हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, आप काफ़ी सारा ढेरों सारे लोन है जो ले सकते हो, 6 लाख तक का इंस्टेंट लोन ले सकते हो। मेरे को 1,35,000 का लोन का ऑफर दिखाई दिया, मैं उसको अप्लाई कर सकता था, 327 रुपये किस्त यहाँ पे 10,000 रुपये की लग रही थी मेरे को। तो काफ़ी मज़ेदार एप्लीकेशन है, यहाँ से आप जितना चाहो उतना लोन ले सकते हो, टाइम पर भरते रहो, ब्याज भी कम है, 2% ब्याज बता रहा है महीने का 48 महीनों की किस्त में। तो काफ़ी मज़ेदार है एप्लीकेशन, डाउनलोड करो और लोन उठाओ। और यदि आपका ट्रांजेक्शन बढ़िया है, 15-20 हज़ार आप करते हो ट्रांजेक्शन, तो आपको तुरंत है जो बैंक में इंस्टेंट लोन मिल जाएगा। आपको सिर्फ KYC करनी है, आधार की KYC करनी है, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए, आपको तुरंत है जो लोन है जो बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। तो यही थी वीडियो, लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, आगे भी अपडेट्स है जो देता रहूँगा रिंग जैसे ही एप्लीकेशन लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।